ये एमी स्मार्ट कंपनी का सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो मैंने अमेजोन से मंगाया था। ये मुझे तकरीबन 781 का पड़ा है, यानी कि 800 के आसपास। ये ऑफर लगा के, बिना ऑफर के ये 800 का है। ये इसकी अनबॉक्सिंग है और ये देखिए, ये डिवाइस है, मेन डिवाइस है, वारंटी कार्ड और बिल और मैनुअल, ये तीन चीज़ें हैं। ये डब्बा है, डब्बे में और कुछ नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, ये मैंने अपने 50 वाट के सोलर पैनल के लिए लिया था और 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करने के लिए। ये 20 एम्पियर का है और इसमें 2 USB पोर्ट भी दिए गए हैं जो 2 एम्पियर के तक सपोर्ट करते हैं। और इसमें ये डिटेल दिया है, ये हाँ, ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों के लिए है, पर मुझे 12 वोल्ट इस्तेमाल करना था तो मैंने कहा। अब 12 वोल्ट अगर आप इसमें बैटरी लगाएंगे तो 260 वोल्ट का जो भी आपके पास सोलर पैनल होगा उतना तक का ये सपोर्ट कर देगा। अगर 24 वाट का आया तो 520 वाट उसका डबल ही समझिए, हाँ, ये सोलर पर सपोर्ट कर देगा उतने तक का। और फिर देखिए, अभी तो मैं ये है सब बटन है जो उसको सेट करने के लिए है। इसमें सप्लाई का देख लीजिए, ये सोलर पैनल के लिए है, पोर्ट ये बैटरी के लिए है, ये लोड के लिए है, ये प्लस माइनस है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, तो ये सोलर का प्लस, सोलर का माइनस, इस तरह चलेगा। लगाते वक्त, चेक करते वक्त जब भी ध्यान दीजिएगा कि पहले बैटरी लगा लीजिएगा आपके पास होगी तो, फिर लोड लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद सोलर पैनल लगाइएगा। फिर निकालते वक्त ध्यान दीजिएगा कि पहले सोलर पैनल निकाल लीजिएगा, फिर बैटरी निकाल लीजिए, हाँ, फिर लोड निकालिएगा, उसके बाद बैटरी निकालिएगा। ऐसा करेंगे तो आपका डिवाइस सही रहेगा और इसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना कम रहेगी, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करेगा। इसका मेन यही काम होता है कि जो वोल्टेज है उसको रेगुलेट करके दें, इसीलिए इसको लगाया जाता है। इसलिए इसको सेम वे में निकालिए, लगाइएगा भी, और मैनुअल भी ये चीज़ शायद दिया ही होगा और उसको देख लीजिएगा। और ये यही हम इसको वीडियो अंत करते हैं और बाकी बातें बाद में आपको बताएंगे इसके बारे में।